Hello students, this is the third video from the chapter foreign from the lesson sorry foreign lands written by Robert Louis Stevenson. So in this video we are going to have a glance, we are going to enhance our writing skill. There are some of the writing skill exercises from the writing skill which I have done for you. द क्वेश्चन बी इज इमेजिंग यू आर इन अ फेरी लैंड. कल्पना कीजिए कि आप किसी परियों के जगह में हैं, सराउंडेड बाय योर फेवरेट डिशेस और आपकी जो मनपसंद की खाने की वस्तुएं हैं, उस सारी चीज़ें आपके चारों तरफ फैली हुई हैं, मतलब लगी हुई हैं. ड्रेसेस, आप जो कपड़े पहनना चाहते हैं वो हैं, टॉयज जो खिलौने हैं वो हैं, और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो वहीं पर है. कल्पना कीजिए, राइट अ पैराग्राफ टू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस. तो उस एक्सपीरियंस के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है पैराग्राफ. तो आप सब देख रहे हैं, तो यहाँ पर शुरुआत आई ड्रीम्ड से है. तो मैंने क्या लिखा है, आई ड्रीम्ड दैट आई वॉज इन फेरी लैंड एंड सो मैनी फेरीज अराउंड मी. मैंने सपना देखा कि मैं परियों के देश में हूँ और मेरे चारों तरफ, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी परियाँ हैं. They could fly like a bird. वो पक्षियों की तरह आकाश में उड़ सकती हैं. Their voices are so sweet and gentle. और उनकी जो आवाज़ है वो बहुत ही सुमधुर और भद्र है. I was very excited by watching my playthings come alive. वहाँ मैं अपने जितने भी खिलौने हैं उन खिलौनों को जीवंत रूप में देख करके बहुत एक्साइटेड था. किसमें? सपने में. सपनों की दुनिया बड़ी अजीब होती है ना. क्या आप सपने देखते हैं? हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे. तो मैं सपने में देखता हूँ कि मेरे जो प्ले थिंग्स हैं, मेरे जो टॉयज हैं, वो जीवंत हो उठे. आई टॉक टू माई फेवरेट हॉर्स. लेकिन मेरा जो प्यारा खिलौना था उसमें घोड़ा था, मैं उससे बातें करने लगा. आई रोड एंड टॉक टू हिम लाइक अ चैटर बॉक्स. मैं उस पर चढ़ गया और उसे भगाता रहा और उस किसी चैटर बॉक्स की तरह उससे बातें करता रहा. तभी आई हर्ड अ साउंड, मुझे एक आवाज़ सुनाई थी. आई डिडंट वॉन्ट माई ड्रीम टू स्टॉप. लेकिन मैं अपने सपनों को तोड़ना नहीं चाहता था. फिर क्या हुआ, When we were hungry, the horse stopped near a garden. जब हमें भूख लगी तो मेरा जो घोड़ा है वो एक गार्डन के पास जा करके रुक गया. I was fascinated by watching trees of chocolates. वहाँ चॉकलेट के वृक्षों को देख करके मेरा मन खुश हो गया. Cakes as a flower. वहाँ फूलों के रूप में केक लगे हुए थे. And what a surprise! I saw a icy cool pool of ice cream. और ठंड से जमे हुए आइसक्रीम का मैंने पूल देखा, पानी का एक स्रोत देखा जिसमें कि आइसक्रीम बह रही थी. Suddenly I heard my mother's call. तभी अचानक मेरे कानों में माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी. I woke up. मैं जग गया. My dream had gone. मेरी नींद टूट गई थी. I wish It could turn into reality. काश यह हकीकत में बदल सकता. कितना मजेदार सपना था ना दोस्तों. चलिए अब आगे के पैराग्राफ में चलते हैं. आगे के पैराग्राफ में राइट अ पैराग्राफ ऑन ऑल दैट आई विश टू सी. सॉरी, उन बातों को जिसे कि आप देखना चाहते हैं उसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है. एज अ यंग चाइल्ड माई ग्रेटेस्ट विश महात्मा गांधी. एक बच्चे होने के नाते मैं महात्मा गांधी जी को देखना चाहता हूं. माय स्कूल सेलिब्रेट्स गांधी जयंती एवरी ईयर. और मेरा जो स्कूल है यह प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती मनाता है. गांधी जी गेव द मैसेज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू द वर्ल्ड. गांधी जी ने पूरे विश्व को शांति और सौहार्दता का संदेश दिया. बट इट ओनली सीम टू बी हाइपोक्रेसी. लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यह सिर्फ एक दिखावा बनकर के रह गया है. द वर्ल्ड ऑफ 21st सेंचुरी इज ऑन द बॉर्डर ऑफ वॉर. 21वीं शताब्दी का जो विश्व है वह युद्ध के ढेर पर बैठा हुआ है. आई विश टू सी गांधी जी इन दिस एरा. मैं इस युग में गांधी जी को देखना चाहता हूँ.
आई वुड लव टू सी गांधी जी फोकसिंग ऑन डिसआर्ममेंट एंड ब्रिंगिंग द वर्ल्ड ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। मैं गांधी जी को निशस्त्रीकरण के ऊपर काम करते हुए और पूरे विश्व को एक साथ लेकर के चलने की क्षमता को देखना चाहता हूं। आई विश टू सी हिम वॉन्डरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं उन्हें पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए देखना चाहता हूं। एंड टेलिंग द वर्ल्ड लीडर्स टू सेव द अर्थ। और पूरे विश्व के नेताओं से, शीर्षस्थ नेताओं से, इस पृथ्वी को बचाने की कवायद करने की शुरुआत करते हुए देखना चाहता हूँ। एंड स्प्रेड ह्यूमैनिटी पीस एंड प्रोस्पेरिटी। मानवता, शांति और सौहार्दता फैलाते हुए देखना चाहता हूँ। ये मेरी इच्छा है बच्चों। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने विचार रखे हैं। आप चाहें तो मेरे विचार से सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि साहित्य का जो क्षेत्र होता है वो बहुत विशाल क्षेत्र है। इसमें एक ही बात को कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं वो भी जरूर लिखें। चलिए अब चलते हैं सेगमेंट डी में। वर्ड्स डेनोटिंग ग्रुप और कलेक्शन आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउंस। एक ऐसा शब्द जिससे कि पूरे कलेक्शन का यानी पूरे समूह भर का बोध होता हो, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब कुछ ऐसे ही कलेक्टिव नाउंस को आपको ब्लैंक्स में भरना है। जैसे डैश ऑफ सोल्जर्स, यहाँ आर्मी ऑफ सोल्जर्स कहेंगे क्योंकि सोल्जर के समूह से ही आर्मी बनती है। बैंड ऑफ सिंगर्स, सेकेंड नंबर में बैंड ऑफ सिंगर्स। बास्केट ऑफ फ्रूट्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, बंडल ऑफ स्टिक्स, रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, क्रू ऑफ सेलर्स, लाइन ऑफ शिप्स, ग्रोव ऑफ ट्रीज, हीप ऑफ स्टोन्स, स्वार्म ऑफ बीज, लॉक ऑफ हेयर, टिल ऑफ बेल्स, शॉवर ऑफ रैन। तो ये कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा की है। स्टूडेंट्स, आई डू होप इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। मुझे लगता है कि ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो अगले वीडियो में हम लोग रामायण एग्जाइल, राम को जो वनवास दिया गया था, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ऑलिवर ब्यूपर मिलर के द्वारा ये लिखी गई है ये कहानी। तो तब तक आप, अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है फॉरेन लैंड्स में, उसका पुनरावृत्ति करते रहें, उसका रिविजन करते रहें। कीप लर्निंग, पढ़ते रहें। स्टे सेफ, सुरक्षित रहें। स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें। धन्यवाद।